कई बार आपको देखा गया है कि जनहित के मुद्दों पर या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आप उनकी आवाज़ बन जाते हैं, भले ही फिर वो आवाज़ खुद की पार्टी के विरुद्ध क्यों ना हो। पार्टी भी महत्वपूर्ण है लेकिन चुना तो जनता ने, तो जनता की आवाज़ तो उठाना चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत टकराव होता है तो हो जाए, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कुछ दिनों पहले कहा कि मुख्यमंत्री जी को उठ के रोज सुबह जो है विधायकों की गणना करनी चाहिए, तो उनको इस कलह में सरकार की संभावनाएं नजर आती हैं। हमारा जो बहुमत है वो बहुत बड़ा बहुमत नहीं है, ये बात सही है। तो इस तरह की बातें तो होंगी, रोज होंगी, ये बात हम भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव आई, लोकसभा चुनावों में तो ऐसे अप्रत्याशित से नतीजे थे, सिर्फ छिंदवाड़ा बचा। तीन राज्यों में जो सरकार बन गई उसमें हम इतने खुश हो गए कि लोकसभा में काम ही नहीं किया किसी ने। अभी एक नया निर्णय आया है कि सरकार पूरे निकायों में रामलीला का मंचन कराएगी, न सिर्फ मंच बनाएगी मंचन भी कराएगी। सर तो शायद वापस ले लेना चाहिए, और यही प्रॉब्लम है ना कि निर्णय वहीं बैठ के ले लिया, किसी से पूछा ना, करा ना विधायकों से पूछा है, अब हमें नहीं पता। कार सर 5 साल चलेगी, बुनियादी मूल मंत्र क्या है? अधिकतर जो विधायक हैं उनको थोड़ी खुश नहीं है, ये बैठकर चर्चा करें और गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण सिंह वरिष्ठ नेता कांग्रेस से खास बातचीत देखिए IND 121 में नवीन पुरोहित के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ IND 24 पर।